विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4। दिए हुए चॉइसेस में से हमने बताना है कि कौन सा नंबर 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से। देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल ये है कि राइट साइड के दो डिजिट से जो नंबर बनता है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए तो तमाम नंबर यानी कि फुल नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि हम चेक करते हैं 156 को। 156 में राइट के टू डिजिट हैं 5 एंड 6, तो इनसे जो नंबर बन रहा है वो है 56। आप देखेंगे 56 डिविजिबल बाय 4 है। फिर आप 465 को लें, क्योंकि पहले हम 4 से चेक कर रहे हैं कि 4 से इन चॉइसेस में से कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है। उसके बाद जो फिल्टर होकर हमारे सामने आ जाएगा नंबर, या दो नंबर या तीन नंबर, उसको फिर हम 3 से चेक करें ताकि कंफर्म हो जाए कि इनमें से कौन सा नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है। तो 465 में राइट के टू डिजिट हैं 6 एंड 5। अब इनसे बन गया 65, ये 4 से डिवाइड होता है? नो। तो इसका मतलब है इसे तो पहले ही एलिमिनेट कर दें, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता। फिर है 628। इसमें राइट के टू डिजिट्स हैं 2 एंड 8, नंबर बनता है 28। देखिए, ये 4 से डिवाइड होता है। फिर 471, इसमें लास्ट में 7 और 1 से 71 बन गया, जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब है या तो ए ऑप्शन है या सी आंसर, सी ऑप्शन है। ए वाला भी नंबर 4 से डिवाइड होता है और सी पर जो 628 है ये भी 4 से डिवाइड होता है। यानी कि 4 से डिवाइड होने वाले दो नंबर हमारे सामने आ गए। ये अब हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर 3 से भी डिवाइड होता है। तो उसके लिए रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। तो इसका सम ऑफ डिजिट है 12 के इक्वल, और 12 डिविजिबल बाय 3 है। इसका मतलब है ये आंसर बन सकता है। अब हम इसको भी चेक करते हैं। तो ये इसका सम ऑफ डिजिट है 6 प्लस 2 प्लस 8, जो कि इक्वल है 16 के, और 16 3 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब है 156 वो नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 6? डिविजिबिलिटी चेक करनी है 6 के साथ दिए हुए ऑप्शंस के नंबर की। तो 6 से डिविजिबिलिटी ये है कि नंबर जो है वो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। तो इसके लिए यूनिट डिजिट का इवन नंबर होना जरूरी है। तो देखें कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन है। 138, इसमें 8 इवन नंबर है, इसलिए ये पूरा नंबर 138 2 से डिवाइड हो जाएगा। बी ऑप्शन को देखें तो इसमें तो 7 है, इसलिए ये तो एलिमिनेट कर दें, ये 2 से डिवाइड नहीं होता। सी ऑप्शन को देखें, इसमें भी 9 मौजूद है जो कि इवन नहीं है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा नंबर बचता है हमारे पास 830, जो 2 से डिवाइड होता है। अब हम चेक करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी। तो सम ऑफ डिजिट 1 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, और 12 3 से डिवाइड होता है। फिर 830 को चेक करें तो इसका सम ऑफ डिजिट है 11, और 11 3 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब है 138 वो नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब है ये 6 से भी डिवाइड होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5? डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 एंड 5। तो 2 के लिए रूल, यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता, और इसी तरह से सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपके पास बचते हैं 30, जो कि बी ऑप्शन में से है, और 36 डी ऑप्शन। ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। अब इनमें से 5 का रूल क्या है, ये यूनिट डिजिट
जीरो और फाइव अगर हो तो वो नंबर फाइव से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब है 36 तो फाइव से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट ना जीरो है ना फाइव है, जबकि यहाँ जीरो मौजूद है। इसका मतलब है 35 से डिवाइड होगा। तो 30 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाइड टुगेदर इक्वल। तो फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर कौन से हैं? पहला प्राइम नंबर है 2, फिर है 3 और फिर है 5। तो ये आ गया 30, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30 एंड 45? देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। वैसे तो इसका एक रूल मौजूद है कि आप डिविजिबिलिटी से प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और उसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आसानी से भी हो जाएगा क्योंकि हम इसके मल्टीपल ले लेते हैं। इसका मल्टीपल है 60 और फिर है 90, फिर है 120। 45 का मल्टीपल 90। फर्दर हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों में ये सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों का ही मल्टीपल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। सिंप्लीफाई, एक्स बाय 2 माइनस एक्स बाय 5। इसको सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 5x माइनस 2x, और डिनोमिनेटर में दोनों के डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3x बाय 10, जो के ऑप्शन सी में दिया गया। इफ पी इज एन इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी? पी बाय 6। अब वो कहता है कि दिस इज इंटीजर, यानी कि इसका आंसर इंटीजर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, होल नंबर यानी कि इंटीजर होगा। अब ये किस सूरत में हो सकता है? अगर पी ऐसा नंबर हो जो 6 से फुल डिवाइड होता हो, मतलब अगर ऊपर 12 है तो 6 से डिवाइड होकर 2 आ जाएगा, अगर ऊपर 36 है तो 6 से डिवाइड होकर 6 आ जाएगा। इसलिए आपने दिए हुए चॉइसेस में से ऐसा नंबर ढूंढना है जो 6 से डिवाइड होता हो, तभी इंटीजर आएगा। तो देखें, 22 6 से डिवाइड नहीं होता, 0 अलबत्ता 6 से डिवाइड होकर आंसर 0 आ जाता है, और 0 इंटीजर है। और यही कंडीशन हमने मालूम करनी थी कि पी बाय 6 एन इंटीजर, ये इंटीजर है तो पी की वैल्यू बतानी थी हमने, तो वो आंसर आ रहा है, क्योंकि ना तो 14 6 से डिवाइड होता है ना ही 13 6 से डिवाइड होता है। दिस इज द ओनली ऑप्शन जिसमें 0 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो आंसर जो आ रहा है 0, इटसेल्फ इंटीजर है, इसलिए कंडीशन पूरी होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स मेक्स द एक्सप्रेशन 4 प्लस एक्स बाय 10 एन इंटीजर? इसको इंटीजर बनाना है। अब 4 को देखें, ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, 4 इज ऑलरेडी इंटीजर। इंटीजर में अगर कोई इंटीजर ऐड करेंगे तो टोटल जो होगा रिजल्ट वो इंटीजर ही होगा। इसका मतलब है एक्चुअली हमने ये फाइंड आउट करना है कि एक्स जो है वो ऐसा नंबर हो जो 10 से डिवाइड होता हो, तब इसका आंसर इंटीजर आएगा। तो 10 से डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है कि जब हम एक्स को 10 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। तो देखें, अब ये वाली कंडीशन हम ऑप्शंस में देखते हैं। एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5? नो, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर 5 ओवर 10 रखें तो 1 ओवर 2 आता है जो कि इंटीजर नहीं है, तो लिहाजा जब ये 4 में ऐड होगा तो वो भी इंटीजर नहीं रहेगा। फिर बी ऑप्शन को देखें, एक्स इज डिवाइडेड बाय 10 हैज ए रिमाइंडर ऑफ 5, ये भी गलत है। अगर 10 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, और आप देखें कि सी ऑप्शन में यही चीज दी गई है, एक्स डिवाइडेड बाय 10 हैज ए रिमाइंडर ऑफ 0, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी।
हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 टू 650 इंक्लूडिंग बोथ विच आर डिविजिबल बाय नाइदर 3 नॉर बाय 7। देखिए ये एक बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैंने इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को इसलिए इंक्लूड किया है कि इसकी मदद से जो मुख्तलिफ डिविजिबिलिटीज हम चेक करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगी छोटे क्वेश्चन में, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आप अकेले क्वेश्चन को देखें तो ये एक्चुअली 3 या 4 क्वेश्चंस के इक्वल है, और इसमें हर क्वेश्चन अलहदा भी आ सकता है। जैसे इसने कहा विच आर डिविजिबल बाय 3, तो अकेला क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप यहां से यहां तक के नंबरों के दरमियान डिविजिबिलिटी बाय 3 वाले नंबर बताएं। इसी तरह बाय 7 का अलहदा से क्वेश्चन आ सकता है, फिर 21 का अलहदा से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें ये तमाम मौजूद होंगे और उसके बाद ये आंसर निकलेगा। तो एक्चुअली ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदरवाइज इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना 1 मिनट में खासा मुश्किल काम है। तो देखें इसमें कंसेप्ट क्या होगा, उसने हमें कहा है कि जी 500 से 650 तक वो नंबर बताएं जो ना 3 से डिवाइड हो और ना 7 से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे और 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, और दोनों से इकट्ठा ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड होते हैं और वो 7 से भी, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 21 भी चेक करनी होगी, क्योंकि 3 × 7 21 होता है। तो जो नंबर 21 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी। ये तीनों डिविजिबिलिटी निकालने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको इसके दरमियान जितने भी नंबर मौजूद हैं इन दोनों के दरमियान उसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएंगे जो ना 3 से डिवाइड होते हैं और ना 7 से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कि इसके दरमियान कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के, यानी कि आप मैथ आपने पढ़ी हुई है कम से कम FSC लेवल तक, तो आप इसको सीक्वेंस एंड सीरीज वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि इस तरह से है कि आप an = a1 + n - 1 × d, उससे भी किया जा सकता है। यहां से n फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि an यहां से आ जाएगा हमारे पास और a ये होगा और डिफरेंस इसमें 3 3 का होगा, तो आप देखेंगे बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इसको जनरल मेथड से करूंगा क्योंकि नॉन मैथ के स्टूडेंट जिन्होंने मैथ FSC में नहीं पढ़ी तो वो भी इसको कर सकें। तो देखें शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 500 3 से डिवाइड होता है या नहीं, क्योंकि अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होता तो इस सीरीज में से इसको हम एक्सक्लूड करके पहला नंबर वो मालूम करेंगे जो 3 से डिवाइड होता हो। तो 500 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता। देखिए 500 डिवाइडेड बाय 3, 313, 3618, 3618, तो रिमाइंडर है 2। अब इसका मतलब है कि 500 3 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें, देखिए अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो यहां पर रिमाइंडर आएगा 3, और 3 फर्दर फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है इस सीरीज के लिए हम पहला नंबर लेंगे 501, क्योंकि अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो वो जो नंबर 501 आएगा वो 3 से डिवाइड होगा। फिर हम देखते हैं 650 को कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है या हमें कोई और नंबर लेना होगा जो इससे फौरन पहले आता है और वो 3 से डिवाइड होता है। तो देखें 3 से हम इसे डिवाइड करते हैं, 326, 313, 3618, रिमाइंडर इज 2। अब आप देखें कि अगर हम इसमें से रिमाइंडर निकाल दें, क्योंकि देखिए 500 के केस में हमने अपर साइड पे जाना था इसलिए हमने ऐड किया और इसको 3 बनाया। अब हमने लोअर साइड पर आना है, इस साइड पर जाना है, इससे छोटा नंबर कौन सा है, वहां हमने देखना था कि 500 से बड़ा नंबर कौन सा है। जाहिर है हमने इसकी डोमेन के अंदर ही रहना है, 500 और 650 के अंदर रहना है, इससे नीचे नहीं जा सकते हम।
इसलिए हमने यहां पर प्लस करके डिविजिबल बाय थ्री बनाया, और यहां पर हम टू लेस करेंगे, तो जब हम टू लेस करेंगे तो नंबर आ जाएगा 648। इसका मतलब है हमारे पास जो सीरीज है वो होगी 501 से 648 तक। जी देखें, अब थ्री से डिविजिबल नंबर कहाँ से कहाँ तक लेने हैं हमने, 501 से 648 तक, क्योंकि इससे ऊपर वाले नंबर जो हमें दिया गया था 650 वो थ्री से डिवाइड नहीं होता। तो हमने कहा कि लास्ट नंबर जो जो इस रेंज में आते हैं उसमें 648 लास्ट नंबर है जो थ्री से डिवाइड होता है, और इस रेंज में 501 पहला नंबर है जो थ्री से डिवाइड होता है। तो अब डिविजिबिलिटी बाय थ्री हमने चेक करनी है कि कौन से कितने नंबर ऐसे हैं जो थ्री से डिवाइड होते हैं, तो उसके लिए हम करेंगे इन दोनों का डिफरेंस ओवर थ्री प्लस वन। मैं आपको एक छोटी एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपने 6 से 15 तक बताने के कितने नंबर दरमियान में ऐसे हैं जो थ्री से डिवाइड होते हैं, तो आप क्या करेंगे, 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 कितने नंबर आए, ये आ गए 9 बाय 3 इज इक्वल टू 3। देखें आप काउंट करें दरमियान में 9 और 12, इसके दरमियान में तो 2 नंबर है जबकि ये आंसर 3 आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये है कि जो तादाद आ रही है इसमें दरमियान में से एक माइनस कर दें, लेकिन अगर ये दोनों भी शामिल हैं तो आपको इसमें 1 ऐड करना होगा। देखें आप काउंट कर लें 1 2 3 4, यानी कि आप क्या करेंगे कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेंगे, फिर जिस नंबर को चेक करना है कि उनकी तादाद कितनी है उससे डिवाइड करेंगे और प्लस 1 करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि उन दोनों नंबर्स का 501 और 648 का डिफरेंस लिया, उसे 3 से डिवाइड किया और 1 ले लिया। ये जो आंसर आएगा ये आएगा कि 501 और 648 को शामिल करके दरमियान में टोटल कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो ये आंसर आपके पास आएगा 648 में से 501 ले लें तो 7 4 147, और 147 को आप 3 से डिवाइड करें ये आ गया 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 और 650 के दरमियान 3 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं 50। अब हम चेक करते हैं 7 से डिवाइड होने वाले नंबर, तो सबसे पहले उसी तरीके से कि 500 को चेक करें कि क्या ये 7 से डिवाइड होता है, वरना उसके बाद देखना पड़ेगा कि इससे बड़ा कौन सा नंबर है, 500 के फौरन बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे 500 7 से डिवाइड होता है या नहीं, अगर ये 7 से डिवाइड नहीं होता होगा तो हम इसके फौरन बाद ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो 7 से डिवाइड होता हो, तो हम इसे 7 से डिवाइड चेक करते हैं, 7 7 49, 1 7 1। अब आप देखें 3, ये डिविजिबल नहीं है, तो इसके फौरन बाद कौन सा नंबर आना चाहिए कि अगर हम इसमें 4 ऐड कर दें तो डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा, यानी कि 500 में हम 4 ऐड कर दें यानी कि ये 504 होता तो ये 7 से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब है हमारे पास रेंज में पहला नंबर आएगा 504। उसके बाद हम 650 को चेक करते हैं कि 7 से डिवाइड होता है या नहीं, 7 9 63 एंड 7 2 14 6। आप देखेंगे 650 भी 7 से डिवाइड नहीं होता, तो 650 से फौरन छोटा जो नंबर है वो ये है कि इसमें से 6 लेस कर दें जो कि यहाँ रिमाइंडर आ रहा है, तो 644 वो नंबर है जो 650 से छोटा है और 7 से डिवाइड होता है, यानी कि रेंज में सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो 644 है, 644। अब हम देखते हैं कि 504 से 644 तक कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, तो वही चीज कि पहले इन दोनों का डिफरेंस 644 माइनस 504 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा
अगर हम 644 में से 504 लेस कर दें, 04 140, अब 140 को 7 से डिवाइड करें तो 2 एंड 20, यानी कि 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। तो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर 500 से 650 के दरमियान होते हैं 21। अब हम देखते हैं कि ऐसे नंबर जो 7 से भी डिवाइड होते हो और 3 से भी, क्योंकि उनको फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो 50 नंबर है ये 3 से डिवाइड होने वाले नंबर है, लेकिन इसमें कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 7 से भी डिवाइड होते हैं। इसी तरह से 21 वो नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, लेकिन इनमें कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो 3 से भी डिवाइड होते होंगे, तो वो इसमें भी शामिल हैं, इसमें भी शामिल हैं, उनको एक दफा लिखना जरूरी है। तो अब हम मालूम करेंगे ऐसे नंबर जो 7 से भी डिवाइड होते हैं 3 से भी, यानी कि वो नंबर कौन से होंगे जो 21 से डिवाइड होते हैं। तो अब बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप फाइंड आउट करें कि 21 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, तो उनकी तादाद आपके पास आएगी 7। अब ऐसे नंबर जो 3 से भी डिवाइड होते हो और 7 से भी डिवाइड होते हो, उनकी तादाद नेट कितनी बनेगी, वो बनेगी 50 प्लस 21 माइनस 7, जो कि इक्वल है 64। यानी कि 64 नंबर ऐसे हैं जो इस रेंज के दरमियान हैं और वो 3 से भी डिवाइड होते हैं और 7 से भी। अब इसमें रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि वो 7 जो इसमें भी शामिल थे और इसमें भी थे वो हमने एक दफा निकाल दिए, क्योंकि वो 7 इसमें भी थे और इसमें भी थे, वो डबल काउंट हो रहे थे, इसलिए उन्हें एक दफा निकाल दिया गया। अब हम देखते हैं कि 500 से 650 तक टोटल नंबर कितने हैं, तो वही चीज कि पहले इनका डिफरेंस +1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, क्योंकि अब हम टोटल नंबर ले रहे हैं कि 500 से 650 तक नंबर कितने हैं, तो ये नंबर आते हैं 151। अब 151 में से अगर ये नंबर 64 लेस कर दें तो वो नंबर बच जाएंगे जो ना 3 से डिवाइड होते हैं ना 7 से। तो 151 में से आप 64 लेस कर दें तो ये आएगा 87। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 244 एंड 332? 244 टू 332 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। अब हमने फाइंड आउट करना है कि इस रेंज के दरमियान कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगेन हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या 244 7 से डिवाइड होता है। अब आप देखें कि अगर ये डिवाइड होता तो यहाँ 0 आना चाहिए था, लेकिन ये इसका मतलब है 244 7 से डिवाइड नहीं होता, तो हमें वो पहला नंबर चाहिए इस रेंज का जो 7 से डिवाइड होता हो। तो अगर इसमें 1 और होता तो ये 7 से डिवाइड हो जाता, यानी कि इसमें 1 ऐड कर दें तो यहाँ 7 आता और ये 1 पे डिवाइड हो जाता। तो इस रेंज का पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो 245 है। अब 332 को चेक करें कि क्या ये 7 से डिवाइड होता है। द रिमाइंडर इज 3। अब अगर इसमें से 3 लेस कर दिया जाए तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी रेंज का लास्ट नंबर है 329। अब हमारे पास रेंज आ गई कि हमने इस रेंज में नंबर बताने हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो अगेन डिफरेंस ले, 329 माइनस 245 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1, तो 329 में से आप 245 लेस कर दें तो ये आता है आपके पास
84, 84 को अब आप 7 से डिवाइड करें, तो ये तादाद है 12, तो आंसर हो गया 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। अब हम इसको सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी कि एफएससी में जो सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है उसमें जो फार्मूला दिया गया उसकी मदद से भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए, मैं उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को करता हूँ, लेकिन याद रखें कि इसमें भी आपको फर्स्ट डिविजिबल नंबर और लास्ट डिविजिबल नंबर मालूम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप इन दोनों को इस्तेमाल कर लें। इस मेथड में भी आपको फर्स्ट और लास्ट डिविजिबल बाय 7 नंबर होने चाहिए। तो अब वो फार्मूला क्या है कि वो है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। डी हमारे पास है इसमें 7, n हमने बताना है, an हम लास्ट नंबर लेंगे, 329 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 245 प्लस n-1 इंटू 7। अब आप गौर करें कि ये उसी फार्मूले में कन्वर्ट होने लगा है, क्योंकि ये इधर जाकर माइनस होगा, तो 329 माइनस 245, अब ये इधर जाकर माइनस हो गया, तो इधर 7 इंटू n-1 बच गया, तो 7 इसके नीचे आ जाएगा। 329 में से 245 लेस करें तो ये आ रहा है 84, 84 अब इधर से 7 नीचे आ जाएगा n-1, और ये हो जाएगा 12, 12 इज इक्वल टू n-1, और n इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। देखिए, एक्चुअली ये फार्मूला किस में कन्वर्ट हुआ, ये फार्मूला कन्वर्ट उसी में हो गया जो हमने किया था कि डिफरेंस ओवर 7 प्लस 1। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ज्यादा आसानी के साथ आप डिफरेंस वाले मेथड से कर सकते हैं, जनरल मेथड से, जो कि बायो का स्टूडेंट भी कर सकता है या आर्ट्स का स्टूडेंट भी कर सकता है, यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने बाकायदा मैथ एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ वो भी इसको जनरल मेथड से कर सकते हैं, कि उन्हें अगर ये फार्मूला ना भी याद हो तो वो तादाद निकाल सकते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्विन प्राइम्स। अब ट्विन प्राइम्स कौन से नंबर हैं? वो प्राइम नंबर जो कंजेक्टिव हैं, जैसे कि 2 के बाद 3 आता है, ये दोनों ट्विन प्राइम्स हैं। 3 के बाद 5 आता है प्राइम नंबर, ये ट्विन है, लेकिन 2 और 5 ट्विन नहीं है, क्योंकि इनके बीच में एक और प्राइम नंबर भी आता है। तो अब हमने इन चॉइसेस में से देखना है कि कौन से ट्विन प्राइम है। तो 37 को अगर हम चेक करें तो 37 के बाद 39 प्राइम है, फिर 41 है, इसलिए ये तो आंसर नहीं हो सकता। 3 और 7 को देखें तो इसके बीच में 5 आता है, ये भी नहीं हो सकता। 43 और 53 को देखें तो इसके बीच में 47 आता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो 71 और 73 ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके दरमियान और कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ट्विन प्राइम्स हैं, और जो कि ऑप्शन डी में दिया है। फोर बेल रिंग समल्टेनियसली एट स्टार्टिंग एंड एन इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, हाउ मैनी टाइम्स द रिंग टूगेदर इन 2 आवर्स। देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है कि स्टार्ट पर भी बेल्स रिंग कर रही है, स्टार्टिंग पॉइंट पर भी रिंगिंग हो रही है। फिर उसने दिया है कि एक बेल 6 सेकेंड पर रिंग करती है, दूसरी 12 पर करती है, तीसरी 15 पर, और चौथी करती है 20 पर। एक तो याद रखने के लिए अगर आप करना चाहें वो ये होता है कि दोबारा कितने सेकेंड के बाद इकट्ठे बेल करेंगी, तो वो हमेशा एलसीएम होता है। एलसीएम का जो टाइम होगा, एलसीएम जो आएगा उस टाइम के ऊपर दोबारा से भी इकट्ठे बेल होगी। तो देखें, ये जो पहली बेल है ये 6 सेकेंड पर रिंग करती है, इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम ये 12 पे करेगी, क्योंकि आफ्टर 6 सेकेंड इसने फिर रिंग करना है, फिर ये 18 पर करेगी, फिर 24 पर, फिर 30 पर, फिर 36, फिर 42, फिर 48, फिर 54 और 66। ये इन तमाम सेकेंड्स पर इसने, आफ्टर ईच 6 सेकेंड इसने रिंग करना है।
अब दूसरी बेल को देखें, ये 12 पे कर रही है, तो नेक्स्ट टाइम ये 24 पर करेगी, फिर 36, 48, और 48 के बाद 60, फिर 72, फिर इसको देखें तो ये 15 सेकंड के बाद कर रही है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम ये 30 पे करेगी, फिर 45 पर, और फिर 60, फिर 75। इसको देखें तो ये 20 पर करती है, तो नेक्स्ट 40 पर रिंग होगी, 60 पर होगी और 80 पर होगी। तो इन सब में कॉमन देखें आप, 60 वो नंबर है जो सब में आ रहा है। इसका मतलब है 60 सेकंड के बाद हर बेल ने दोबारा रिंग करना है इकट्ठे। 60 सेकंड पर बेल जरूर करेगी, दरमियान में वो जितनी मर्जी ज्यादा दफा कर चुकी हो। 12 वाली के साथ भी ये सिचुएशन है कि 60 पर इसने रिंग करनी है, इसने भी रिंग होना है, इसने भी होना है, इसने भी। इसका मतलब है कि दोबारा 60 पर एट ए टाइम सबने रिंग करनी है। तो ये एलसीएम ही तो है, 16 सबका एलसीएम है। तो सिंपल तरीका क्या है कि आप एलसीएम मालूम करें। अब हमने बताना क्या है कि 2 आवर्स में कितनी दफा ये इकट्ठे बैल करेंगे। इट्स मीन हर 60 सेकंड के बाद इन्होंने इकट्ठे बैल करना है। तो 2 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 × 60 × 2, ये टोटल सेकंड्स आ गए 7200। इतने सेकंड हैं और हर सेकंड के बाद बैल होनी है, तो हम 72 को 6 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास 120। अब 120 टाइम इन्होंने हर 60 सेकंड के बाद करना है, लेकिन स्टार्टिंग में 0 टाइम के ऊपर भी ये इकट्ठे ही रिंग कर रही थी। इसका मतलब है इसको भी शामिल करें इसमें, तो इसमें 121 टाइम्स रिंग होगी इकट्ठे, जो के ऑप्शन सी में दिया गया। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 और 4 आर देयर फ्रॉम 1 to 100 इन टोटल। तो आप देखें कि 1 से 100 की हमें रेंज दी गई है, इसमें हमने बताना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 और 4 से डिविजिबल हैं। तो अब देखते हैं डिविजिबल बाय 3। उसके लिए पहला डिविजिबल नंबर इस रेंज का कौन सा है, तो इस रेंज का पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो है 3, और लास्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो है 99। अब इन दोनों के दरमियान कितने नंबर हैं इंक्लूडिंग 3 एंड 99, तो ये आएगा डिफरेंस इन दोनों का, 99 - 3 ओवर 3 + 1, जो कि इक्वल आएगा 339 632 के। 32 + 1 = 33। अब हम देखते हैं डिविजिबल बाय 4 नंबर्स। तो इसका पहला नंबर इस रेंज में 4 से डिवाइड होने वाला ये है, और लास्ट नंबर होगा 100 / 4। 100 पूरा पूरा 4 से डिवाइड होता है, तो लास्ट नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकता है वो खुद 100 है। तो अब कितने नंबर होंगे, 100 - 4 / 4 + 1 = 24 + 1 = 25। तो 25 नंबर ऐसे होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। अब हमने वो नंबर देखने हैं जो इन दोनों से डिवाइड होते हो, यानी कि 12 से डिवाइड होते हैं, तो उन नंबर्स की तादाद आप जब इसी मेथड से उसे कैलकुलेट करेंगे तो उनकी तादाद आएगी 8। अब वो नंबर जो 3 और 4 से डिवाइड होते हैं वो कितने हो जाएंगे, 33 + 25 - 8, जो कि इक्वल है 50 के, और ये है ऑप्शन बी। ए बास्केट कंटेन्स 7/12 kg ऑफ एप्पल्स, 7/9 kg ऑफ ऑरेंजेस, एंड 11/18 kg ऑफ ग्रेप्स, एंड 7/4 kg
kg of pears. Which fruit is in the least quantity? सबसे छोटी क्वांटिटी किसकी है? तो अब इनको हमने कंपेयर करना है, इसमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो ही तादाद को शो करेगा कि वो क्वांटिटी सबसे कम है। तो अब हम चेक करते हैं इसे। इनको चेक करने के लिए इनको जो डिनोमिनेटर्स में नंबर हैं इनको इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। इनका एलसीएम है 36, तो ये आ जाएगा 21। इसको 36 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 28, तो ये आएगा 28 3 के। अब इसमें आप देखें सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है, वो है 21। तो 21 क्या चीज है? एप्पल्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ऑप्शन में से देखना है कि कौन सी चीज गलत है, तो ए ऑप्शन को चेक करते हैं। 4 1/2 इज लेस देन 6/7। ये हो गया आपके पास 9/2 लेस देन 6/7। इसको चेक करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि ये इसमें मिक्स नंबर है एक्चुअली, तो ये वैसे ही बड़ा होगा। और एक्चुअली यहीं से पता चल रहा है क्योंकि 4 जो है होल नंबर है और होल नंबर फ्रैक्शन से हमेशा बड़ा होता है अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 6/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, 6 छोटा है। तो ये फ्रैक्शन है 6/7 तो लेस देन 1 है, तो ये 4.5 से बड़ी कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब है ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। अब हम देखते हैं बी ऑप्शन को। 56/9 ग्रेटर देन 7/10 ग्रेटर देन 9/45। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर्स को खत्म करते हैं। इसके लिए इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करें। 9, 10 और 45 का एलसीएम है 90। अब हम पूरी इनइक्वालिटीज को 90 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 560, ये आ जाएगा 63 और ये होगा 18। तो आप देखें 63 18 से बड़ा है, करेक्ट है, और 560 63 से ग्रेटर है, इसलिए ये भी सही है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि हमने क्या बताना था? इनकरेक्ट, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अब हम सी ऑप्शन को चेक करते हैं। 9/2 ग्रेटर देन 7/9 ग्रेटर देन 5/18। इसको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करें यानी कि 18 से। जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा 81, 14 और 5। अब आप देखें ये भी करेक्ट है क्योंकि 14 इज ग्रेटर देन 5 एंड 81 इज ग्रेटर देन 14, तो ये भी करेक्ट है, जबकि हमने इनकरेक्ट बताना है, इसलिए ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डेक्स्टर बॉट 6/8 ऑफ सैक्स ऑफ ब्लैक बीन्स एंड 3/8 सैक ऑफ ब्राउन बीन्स। हाउ मच मोर ब्लैक बीन्स वर बॉट। तो देखें इसने ब्लैक बीन्स ली हैं 6/8 और ब्राउन बीन्स ली हैं 3/8। अब बताना ये है कि ब्लैक बीन कितनी ज्यादा है, तो ब्लैक बीन की क्वांटिटी में से आप ब्राउन बीन्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3/8, जो के ऑप्शन डी में दिया गया। ए कंस्ट्रक्शन कंपनी इज डिगिंग ए पिट टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ ए हाउस। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे द कंपनी हैड हॉल्ड अवे टू। फर्स्ट डे उन्होंने किया है इतना काम। ऑन द सेकेंड डे दे हॉल्ड अवे, सेकेंड डे उन्होंने किया है इतना। हाउ मेनी ट्रक लोड डिड दे हॉल अवे इन ऑल। टोटल कितना हुआ? तो दोनों को ऐड कर ले, तो ये आ जाएगा, होल नंबर्स को ऐड करें, 5 + 5/12 + 5/12 इज इक्वल टू 5 + 10/12, यानी कि 5 होल। अब ये कैंसिल हो रहा है 2 से 5/6, 5 5/6 टोटल काम हुआ, जो के ऑप्शन सी में दिया हुआ। रॉनी हैज 4 2/3 किलोग्राम्स ऑफ शुगर।
He gave 4 1/3 kilograms to his friend. How much does Ronnie have now? तो इतनी टोटल क्वांटिटी थी, इतनी उसने अपने फ्रेंड को दे दी, तो बाकी कितनी बची? तो डिफरेंस ले लें, 4 2/3 माइनस 4 1/3, तो होल नंबर खत्म हो गए, 4 में से 4 निकल गया, तो एक्चुअली हमने इसे कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 3 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, ये उसके पास बाकी बच गई जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। एमिली वॉक 2 and 1/3 miles in the morning and 1 and 2/5 miles in the afternoon. How far did Emily walk in total? तो जाहिर है दोनों दफा को ऐड कर लें तो टोटल आ जाएगा। तो ये है 2 1/3 plus 1 2/5. तो 1 plus 2 is 3 plus 1/3 plus 2/5. तो ये हो जाएगा 3 11/15 जो के ऑप्शन डी में दिया गया है। सॉल्व द अबव फॉर एक्स, ये इनइक्वालिटी है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसे दो हिस्सों में किया जाएगा क्योंकि डबल इनइक्वालिटी है। तो फर्स्ट पार्ट इसका है 7 is less than or equal to 3x plus 11/2, तो ये हो जाएगा 7 into 2 is less than 3x plus 11, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा x is equal to 3, ये इधर 11 इधर आकर माइनस हो गया, 14 में से तो 3 बच गया, और 1 is less than or equal to x, 3 से ये डिवाइड हो गए। अब इसका सेकंड पार्ट करें तो वो है 3x plus 11 by 2 is less than or equal to 11, 3x plus 11 is less than or equal to 22, and 3x is less than or equal to 11, and x is less than or equal to 11/3. तो कंबाइन इनइक्वालिटी बन गई, 1 is less than or equal to x is less than or equal to 11/3, जो के ऑप्शन ए में दिया। शकील एंड हिज ब्रदर बॉट सम लैंड इन ए टाउनशिप। शकील बॉट 7 2/8 acres ऑफ लैंड एंड हिज ब्रदर बॉट 4 3/16 ऑफ लैंड। व्हाट इज द टोटल एकर्स? टोटल बताना है हमने तो ऐड कर दें, तो 4 plus 7 11 हो गया, प्लस 2/8 plus 3/16, ये हो जाएगा 11 plus, ये आंसर आता है 11 whole 7/16, जो के ऑप्शन ए में दिया गया। सॉल्व फॉर, अब यहां पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हम कहेंगे x की एब्सोल्यूट वैल्यू को, अगर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करनी हो तो हम लिखते हैं प्लस माइनस x, तो यहां हो जाएगा प्लस माइनस 4a is less than 8, तो एक दफा प्लस के साथ करेंगे एक दफा माइनस के साथ। प्लस 4a less than 8 मींस a is less than 2, इधर हमारे पास है माइनस 4a less than 8, तो माइनस a is less than 2, और अब आप देखें कि माइनस चेंज होना है, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो a is greater than -2, तो डबल इनइक्वालिटी बन रही है। a को दरमियान में रखें, a is less than 2, a is greater than -2, ये डबल इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 सो दैट सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23, तो इसको हम 23 से डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 4 पर 92, बाकी आपके पास बच गया 13, 6
23 मल्टीप्लाइड बाय 5 115, द रिमाइंडर इज 21। अब आप देखेंगे 21 रिमाइंडर है और हमने बताना है लीस्ट नंबर मस्ट बी एडिड, इसमें कितना ऐड करें। तो देखिए 21 23 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन अगर ये 23 होता तो ये 23 से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब है इसमें 2 अगर और होता तो ये 23 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो ये नंबर कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 इज, वो कौन सा सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है जो 88 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? ये हो सकता है 999, इससे बड़ा 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो अगर हम इसे 88 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे क्या आता है। द रिमाइंडर इज 55। तो अगर इसमें से ये जो रिमाइंडर है ये कम कर दिया जाए तो ये फुली डिवाइड हो जाएगा। ये तो इसमें से आप 55 को माइनस कर दें। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 88 होगा वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जब हम इसमें से 55 को लेस कर देंगे जो कि रिमाइंडर आ रहा था, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसलिए 4 9 एंड इसमें से आप 55 को लेस कर दें तो आपके पास नंबर आता है 4499। ये 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है जो डिविजिबल बाय 88 है और ये है ऑप्शन ए। इफ द नंबर 517 एंड देन इस्टेरिक 324 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन द प्लेस ऑफ स्टेरिक विल बी। देखिए अब हमने बताना है कि अगर ये डिविजिबल बाय 3 है ये पूरा नंबर, तो स्टेरिक की जगह कौन सा नंबर आना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर। तो डिविजिबल बाय 3 का क्या रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स, तो स्टेरिक को छोड़कर सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट करें। ये आपके पास आ गए 22। अब ये जो 22 है ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हमने इसके डिविजिबल बनाना है क्योंकि ये डिवाइड होगा और हमने प्लेस बतानी है कि स्टेरिक की जगह पे कौन सा नंबर आए कि ये डिविजिबल हो जाए। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अगर इसमें 2 और ऐड कर दिया जाए यानी कि नियरेस्ट डिविजिबल नंबर कौन सा है, वो 24 है। 22 के फौरन बाद वो कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाए, वो 24 है। यानी कि इसमें अगर 2 और ऐड कर दिया जाए, अगर इसमें 2 ऐड हो जाए तो ये डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। इसका मतलब है स्टेरिक की जगह पर 2 लगा दिया जाए तो इसका सम जो आएगा वो 24 आएगा, जो कि डिविजिबल बाय 3 होगा। तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए स्टेरिक की वैल्यू है 2, जो कि ऑप्शन सी में दी गई। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ये आपने याद रखना है, ये भूल नहीं जाना, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 नहीं है। अमूमन लोग कंफ्यूज होते हैं और वो समझते हैं कि 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 और दिस इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ये इवन भी है, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं हो सकता और ना ही होता है। सिर्फ 2 प्राइम नंबर है और ये फर्स्ट प्राइम नंबर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 4456 सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। तो अगेन इसमें क्या ऐड किया जाए कि 6 से डिविजिबल हो जाए। तो 6 से डिविजिबिलिटी कब होती है, जब 2 से भी डिवाइड हो एंड 3 से भी डिवाइड। अब 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट इवन है, 6। 6 इज द इवन नंबर, सो दिस नंबर
डबल फोर फाइव सिक्स इज डिविजिबल बाय टू। डिविजिबिलिटी बाय थ्री के लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये डिविजिबल बाय थ्री भी हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी डिविजिबल बाय थ्री नहीं है। ये सम ऑफ डिजिट आ गया, इसका आंसर आता है 19, सम ऑफ डिजिट का। तो आप देखें कि डिविजिबल बाय थ्री कब होगा, जब ये 19 या इसका सम थ्री से डिविजिबल होता। 19 तो थ्री से डिवाइड नहीं होता, लेकिन अगर इसमें टू ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 21, और 21 थ्री से डिवाइड होता है। इट्स मीन अगर डबल फोर फाइव सिक्स में टू और ऐड कर दिया जाए तो डबल फोर फाइव एट ये थ्री से भी डिवाइड हो जाएगा, और जाहिर है कि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है यूनिट डिजिट की प्लेस पर, तो ये टू से भी डिवाइड होगा। जब ये टू और थ्री से डिवाइड होगा तो ये सिक्स से भी डिवाइड होगा। देखें अब ये फोर प्लस फाइव प्लस एट ये बनता है 21, और 21 इज डिविजिबल बाय थ्री, तो इसलिए ये थ्री से भी डिवाइड होता है और टू से भी, तो ये सिक्स से भी डिवाइड होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी कंप्लीटली डिवाइड 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 एक्सपोनेंट 27 प्लस 3 28। इसको कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दिया गया नंबर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे? तो इसके लिए जरूरी होता है कि जब भी कोई एस्थमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और चेक करना हो कि ये किससे डिवाइड होगा, तो उसके लिए आप उसमें से कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करें। अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर देखते हैं कौन सा आ सकता है। इसमें से 325 कॉमन है सब में, तो अगर हम इसे कॉमन ले लें तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, ये बच गया। तो देखें कि ये कितना बनता है, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 एंड 325 इंटू 40। इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है इसका फैक्टर है 40, जो 40 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 381n इज डिविजिबल बाय 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n। n नेचुरल नंबर है, इसकी वैल्यू बतानी है स्मॉलेस्ट, ताकि ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स आर आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो 3 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। अब 12 9 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन अगर हम इसमें 6 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 18। तो 18 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है अगर n की जगह पर 6 आ जाए तो ये डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा, क्योंकि इसका सम होगा 18 जो कि 9 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। इसका मतलब है n की जगह पर 6 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया।